फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु गॉट हैफ प्रैंक्ड। अच्छा, या तो उनके ऊपर हुआ है या उन्होंने किसी के ऊपर किया, देखते हैं भैया। तो इसमें लिखा हुआ है अक्षय कुमार, SRK, दीपिका, अनिल कपूर प्रैंक। देखें इन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या प्रैंक किए हैं, क्या हुआ। तो वीडियो शुरू। अब यही है कि इनमें पता नहीं होता कि ट्रू प्रैंक थे कि पहले से कुछ आइडिया था। देखते हैं, हमें थोड़ा शक तो हो ही जाएगा देख के, थोड़ा थोड़ा शक हो गया तो पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, MSG फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके साथ पब्लिक प्लेस में प्रैंक किया गया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। नंबर 1 पर है रणवीर सिंह, और ये प्रैंक कुछ लोग लंदन में स्टैचू बन के कर रहे थे, जहाँ पर वो रास्ते से गुजरते हुए लोगों को डप्पी करके डरा रहे थे, और वो लोग बहुत से लोगों को डरा भी देते हैं। और तभी वहाँ से रणवीर सिंह निकलते हैं जिन्हें वो लोग डप्पी कर देते हैं, और उसके बाद देखिए क्या होता है। रणवीर सिंह तो बहुत ज्यादा जल्दी में थे तो वो फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। तो गाइज, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है सनी लियोनी। सनी अपनी मूवी की शूटिंग के लिए सेट पर आई होती हैं, और वो सेट पर बैठकर कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हैं, और तभी एक व्यक्ति उनके पीछे से आता है और उनके ऊपर एक नकली सांप फेंक कर चला जाता है। उसके बाद आप खुद ही देखिए क्या होता है। अगले दिन सनी लियोनी अपने प्रैंक का बदला लेने उन भाई साहब के पास जाती है, और उसके बाद देखिए क्या होता है। नंबर 3 पर है अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी सूर्यवंशी की शूटिंग कर रहे थे, तभी एक वेबसाइट पे न्यूज आती है कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के बीच में लड़ाई हो गई है। तो उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं आप खुद ही देखिए। नंबर 4 पर है विद्या बालन, और ये प्रैंक उनके साथ RJ नवीद ने करा था। विद्या बालन अपनी मूवी द डर्टी पिक्चर के प्रमोशन के लिए मिर्ची मुर्गा पर आई होती है, जहां पर वो लोग विद्या को बोलते हैं कि उन्होंने एक जादू टोना करने वाले बाबा को बुला रखा है। तो विद्या उनके पास जाके बैठ जाती है, और फिर वो विद्या बालन को बोलते हैं कि अपने दोनों हाथ आगे करे, और वो उनके हाथों पर 2 कार्ड रख देते हैं, जिसके बाद वो उनसे बोलते हैं कि वो अब उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देखिए। कोई गुरु किसी को मानती है जी? कौन है? अम्मा। अम्मा है, जैसे आपने कहा आपकी गुरु है। गा रा रू। विद्या जी, मैं आपसे चाहूंगा गुरु में से अगर गा हटाए और रा हटाए तो क्या बचा? ओ अब इसको पूरा करेंगे हम मिलके। नंबर 5 पर है प्रिंस नरूला, और प्रिंस ये प्रैंक अपनी वाइफ युविका चौधरी पर करते हैं, जिसमें वो जमीन पर पहले पानी गिरा देते हैं और आमने सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि वो हैंकी मुंह में रख के पानी को टच करने की कोशिश करेंगे, और उनकी वाइफ को प्लेट से उनको उनके सर पे मारना है। उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देखिए। तो पता चलेगा वो भी कांच
और इस प्रैंक के बाद उनकी वाइफ बहुत ज्यादा नाराज भी लग गई थी। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है अनिल कपूर। अनिल कपूर ने ये प्रैंक ट्रबल सीकर टीम के साथ मिलके अपने शो 24 के प्रमोशन के लिए करा था, जिसमें एक लड़की कुछ रैंडम स्ट्रेंजर्स को एक फोन पकड़ा देती है और उन्हें बोलती है कि उनके लिए एक कॉल आया है। उसके बाद अनिल कपूर उनसे बात कर रहे होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन्हें अब एक अंकल के पास जाना है जिनसे उन्हें एक सीक्रेट कोड लेना है। तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में बलून? गाय विद बलून, गाय विद बलून, गाय विद बलून, उसके पास जाना है। और जब वो लड़कियां उस अंकल को कोड बता देती हैं, उसके बाद उन्हें दूसरे बंदे के पास जाना होता है और ऐसे करते करते अनिल कपूर उन्हें अपने वैनिटी वैन के पास बुला लेते हैं और एंड में उन्हें सरप्राइज करके एक गिफ्ट हैम्पर देके चले जाते हैं। उन लोगों का रिएक्शन देखने वाला होता है। नंबर 8 पर है दीपिका पादुकोण। और रोहित शेट्टी के सेट पे ऐसे प्रैंक होना आम बात है, क्योंकि रोहित शेट्टी अपने एक्टर्स के साथ मिलके ऐसे प्रैंक करते रहते हैं। तो ऐसा ही प्रैंक दीपिका पादुकोण ने उनके साथ कर दिया, जिसमें वो चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए बैठे होते हैं और तभी दीपिका पादुकोण को रोहित शेट्टी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनके हाथ में जो कांच की बोतल होती है दीपिका पादुकोण रोहित शेट्टी के सर पे फोड़ देती है। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये बोतल असली थी या नकली। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। नंबर 8 पर है प्राची देसाई। और ये प्रैंक बोल बच्चन की टीम ने उनके साथ किया था, जिसमें प्राची देसाई की जो हेयर स्टाइलिस्ट होती हैं, वो उनसे आके बोलती हैं कि उन्हें एक आदमी छेड़ रहा था। तो प्राची अपने सेट पे लोगों को बोल देती हैं कि उन पे नजर रखें, और वो आदमी पूरा नशे में होने की एक्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे धकेल रहे थे और जो प्राची की हेयर स्टाइलिस्ट थी वो भी दूसरी तरफ भागने लगी। उसके बाद प्राची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और कुछ देर बाद रोहित शेट्टी अजय देवगन भी इस प्रैंक में उतर जाते हैं। चल बट आई गेस इट जस्ट डिडंट स्टॉप, उन्हें यू नो खींचकर उन्हें लेकर जाना पड़ा। फिर जब प्राची को पता लगता है कि ये सब प्रैंक था, तो उनका रिएक्शन देखने वाला होता है। After a point actually, I just started looking at Ajay, Abhishek and Rohit. I realized that, oh my God, we are all fools. ये बस एक प्रैंक था। अभिषेक से सॉरी, जिसको वो कह रही है जो हेयर ड्रेसर थी कि भैया मेरे को वो छेड़ रहा है, मुझे लगा शायद उसे पता होगा कि छेड़ रहा, वो भी इस प्रैंक में जो है उसको नहीं पता, उसको नहीं, वो मुझे गलत लगा क्योंकि जिसके ऊपर हो रहा है ना उसकी तो जान निकल जाएगी ऐसी चीज पे, और वो भी जब सब काम के एरिया में, जब आपके वर्क का एरिया है वहां पे, तो वो मुझे प्रैंक नहीं ठीक लगा, वो थोड़ा गलत था। अगर वो भी इन्वॉल्व होती और फिर उसको पता होता तो बात अलग थी। हाँ, चाहे प्राची जो एक्ट्रेस है उसको ना पता हो, क्योंकि वो उसको नहीं छेड़ा जाता, पर जिसको छेड़ा जा रहा है प्राची को पता था प्रैंक नहीं, उसको नहीं पता था, वो भी घबरा रही थी कि क्या चल रहा है। तो ये जो थे बाकी लोग, इनको पता चल गया था किसने किया था प्रैंक, अभिषेक ने शायद, पता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अभिषेक ने किया, वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं किया, तो ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया जो भी था, पर वो थोड़ा प्रैंक गड़बड़ था, दैट वाज नॉट करेक्ट। पर ये है कि एंड सब अच्छा हुआ, पर वो फिर भी घबरा रही थी, कह रही थी मेरे से तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी ने मतलब उस टाइप से भी नहीं किया, तो ये देख के तो मैं मतलब घबरा गई थी।
तो वो थोड़ा था, पर वो जो सांप वाला था वो मैंने पहले भी देखा हुआ है, पर वो बहुत गंदा था यार। और वो सांप असली लग रहा था, वो जैसे हिल रहा था ना, ऐसे ऐसे हिलता जा रहा था, ऐसा लग रहा था असली सांप हिल रहा है। और उसका जो सलील लियोन ने किया था वो तो प्रैंक था ही नहीं, वो तो वो प्रैंक का है, वो प्रैंक तो वो तो आपको मार रहे हैं दूसरे को जाके, आपने केक मार दिया, वो प्रैंक नहीं है। ऐसा ही कुछ डराने वराने वाला करना चाहिए, वो प्रैंक होता अगर वो डर जाता तो, कोई ऐसा काम करते जिससे डर जाता। और वो जो दिखाया था कि ये कौन था, अक्षय कुमार और वो भैया, क्योंकि न्यूज के अंदर आया है कि लड़ाई हुई है तो वैसे ही हमने करना है, वो भी प्रैंक नहीं है, वो हंसी मजाक है, वो रिस्पॉन्स देना चाहते थे कि वो जो मीडिया में बात फैली है तो उसका मजाक। वो ठीक भी मुझे लग रहा है कि अगर मीडिया में कोई गलत अफवाह आई है तो उनका अच्छा गलत आई है उसी का दिखाते हैं, हाँ ये देखो देखो हो रहा है, क्योंकि हमने उसको न्यूज को सच करना है। बिल्कुल, तो वो एक अच्छा क्रिटिसिज्म था एक्चुअली, कि लोग जो गॉसिप के लिए फालतू बातें, जो गॉसिप के अपनी चलाने के लिए मैगजीन्स लगाते हैं फालतू बातें, तो उसको गुस्सा आया होगा तो उसका रिस्पांस किया होगा, वो मेरे को ठीक लग रहा था। वो भी मजेदार था जिसमें वो जाती है, वो जो बोलते हैं ना, वो कौन बताते हैं कमरे में लेके गए थे जो गुरु वाली वो पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, जो आपको फॉर्चून फॉर्चून बताते, फॉर्चून टेलर टाइप के, तो वहां पे वो कह रही वो बेचारी इतनी हैरानी क्या बोल रहा है, फिर जब गुला ला गया तो उसको समझ में आ गई थी, पर उसकी शक्ल पे दिखा दी क्या चल रहा है क्या बोल रहा है, मैं कहां आ गई हूँ। तो काफी मजेदार थे, आप बताना आपका कौन सा फेवरेट था, मजा आया। चलो ये अच्छा है, मतलब इन्वायरमेंट में हंसी मजाक भी चलता रहता है, बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिसको डेंजर ना हो जाए, कई बार हो जाता है, कई बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गलत गुस्से में आ जाए, कुछ हो जाए, किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए या कुछ अनसेफ ना हो जाए, कि किसी को चोट चूट लग जाए, बस उसका ध्यान रखना चाहिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।